हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद निशा चैनल। आज हम बनाएंगे मुठिया ढोकला। इसमें मैं क्या करती हूँ कि सवेरे जो लंच में बना होता है वो उसमें से सब्जी बच गई या दाल बच गई ऐसा कुछ होता है, ये हमारे चावल बच जाते हैं थोड़े से, तो इसे मैं वेस्ट नहीं होने देती हूँ। इसे मैं इसके मुठिया ढोकला बना देती हूँ शाम के डिनर के लिए, तो आज भी वैसे ही बनाऊंगी। ये मैंने 2 बाउल आटा ले लिया है, गेहूं का आटा। इसमें हम डाल देंगे हमारे बचे हुए चावल, सवेरे मैंने ये मठ बनाए थे तो ये भी थोड़े से बच गए हैं, तो इसे भी हम इसमें डाल देंगे। इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है फ्रेंड्स, एक बार जरूर ट्राई करना। अगर आपकी तुअर दाल भी जो अगर बच गई है सवेरे, कोई सब्जी बच गई है, तो वो भी आप इसमें डाल के मुठिया ढोकला बना देना शाम के डिनर के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हम इसमें मसाले कर देंगे। इसमें मठ में थोड़े मसाले तो है ही, तो हमें सिर्फ ये आटा जो हमने डाला है उसके पुरते मसाले करने हैं। तो हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। इसमें डालेंगे लेमन जूस, ये डाल दिया हमने लेमन जूस। इसमें हम डालेंगे चीनी। अब इसमें मेरी फेवरेट चीज डालेंगे, लहसुन की चटनी, वो मैंने पानी डाल के इसमें रख ली थी। कलर भी बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा आता है, स्मेल भी अच्छी आती है, ये मेरी फेवरेट है। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ऑयल, ये गया 1 टेबल स्पून, ये 2 टेबल स्पून और ये 3 टेबल स्पून। इससे हमारे ढोकले एकदम करारे बनेंगे, ये 4 स्टेप। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे जीरा। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, ये हमारा आटा लगभग रेडी हो गया है। इसमें मैंने अभी पानी नहीं डाला है क्योंकि ऑयल था हमारा और सब्जी थी, तो इसे पानी से गूंदने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके मुठिया जो है वो आराम से बनने लगे हैं, तो इसे ऐसे ही हम गैस पर चढ़ा लेंगे पकने के लिए। पानी की भाप से इसे हम पकाएंगे। जैसे मैंने पानी रख दिया है गैस पर गर्म होने के लिए, ये हम इसमें उल्टा करके रख देंगे और ये जो दूसरी है इसे मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है और इसे ऐसे रख देंगे। अब हमारे मुठिया जो है वो हम इसमें पकने के लिए रख देंगे। हम हाथ में ऑयल लगा लेंगे और ऐसे इसे इसके मुठिये बना लेंगे। पतले पतले बनाएंगे जिससे कि वो अच्छी तरह से अंदर से कच्चे ना रहे, अच्छे से इसमें पक जाए। चाहे तो आटे में बाजरे का आटा और बेसन भी मिक्स कर सकते हैं, पर मुझे तो ऐसे ही गेहूं का आटा ही आटे के ही पसंद है, तो मैंने इसमें और कोई आटा नहीं डाला है। आप चाहे तो डाल सकते हैं। जब भी मुझे मुठिया ढोकला बनाना होता है तो वो मैं दोपहर के 2-3 बजे ही बना लेती हूँ, क्योंकि इसे पकने में 40 से 50 मिनट का टाइम लगता है लो फ्लेम पर। इसलिए मैं इसे हम जब भी लंच करके खड़े होते हैं और बचा हुआ खाना होता है तो उससे मैं दोपहर में ही ये बना के इसे पकने के लिए रख देती हूँ, ताकि शाम को हम फ्री रहेंगे। तो डिनर हमारा शाम को ही 6 बजे ही रेडी हो जाएगा, 5-6 बजे ही, तो शाम को तुम एकदम फ्री रह सकते हो। तो जब भी ऐसा लगे कि बच्चा आज खाना बच गया है, ज़्यादा बच गया है, तो हमें इसे वेस्ट नहीं करना है, इसे अच्छे से हमें यूज़ कर लेना है और रात को भी आप फ्री रह सकते हैं। तो ये हमारे मुठिया रेडी है, ये हमें पकने के लिए रख देने हैं। ये मैं लो फ्लेम पर रखूँगी 30 से 40 मिनट तक।
इसे हम ढक लेंगे, इस पर रख देंगे और इसे हम छोड़ देंगे लो फ्लेम पर 30 से 40 मिनट तक। ये हमारे ढोकला रेडी हो गए हैं। ये हो गए थे 40 to 50 मिनट्स में। उसके बाद मैंने इसे गैस को बंद कर दिया था और एक घंटे के लिए ऐसे ही रख दिया था। तो ये एकदम अच्छे से हो गए हैं, देख लीजिए। इसे हम तड़का लगा देंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। पैन को गरम कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। इसमें डालेंगे राई कुछ है तो उसको डालेंगे। गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है। ये डाल दिया जीरा, लाल मिर्च, करी पत्ता और हींग। ये हमारे जाएंगे इसमें ढोकले। इसे हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पकाना है। हमारे ढोकला रेडी हो गए हैं। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ये हमारे ढोकला रेडी है। इसे आप चाहे तो तल से गार्निश कर सकते हैं सफ़ेद तिल से, पर हमारे घर में पसंद नहीं है किसी को, तो मैंने नहीं डाले हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।